दोस्तों आज 1K हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उस खुशी में मैं सोची कुछ मीठा आपके लिए बना दूं। ओके, तो फिर चलिए, ये जो रेसिपी है ये इसे कहते हैं ब्रेड पुडिंग। ओके, ये एगलेस ब्रेड पुडिंग रेसिपी है, तो मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत इजी है और हमारे किचन में ही इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें लगेगा वो सारे हमारे किचन में ही मिलते हैं। तो ये 5 स्लाइस जो है व्हाइट ब्रेड का मैं ली हूँ और इसके कॉर्नर जो है सारे कट कर दी हूँ। ओके, और ये व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड से ज़्यादा अच्छा बनता है। ओके, और ये 1 TBS यानी टेबल स्पून शुद्ध घी है, ये 1.5 कप दूध है, और सारे चीज ना मेजरिंग कप से मेजर किए हुए हैं, तो प्लीज आप भी मेजरिंग कप से ही मेजर कीजिएगा तो बहुत अच्छी बनेगी। ओके, तो ये 1.5 कप जो है मेजरिंग कप से मेजर करके, देखिए इस मेजरिंग कप से मैं मेजर की हूँ। ओके, और कप में इस कप को यूज की हूँ और स्पून में इस स्पून को यूज की हूँ। ओके, और 1 कप मैं चीनी ली हूँ, 5 स्लाइस ब्रेड, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून घी, 1.5 कप दूध, दूध जो है बॉयल करके ठंडा किया हुआ है। ओके, और 1 कप चीनी है, मेजरिंग कप से ही मेजर किया हुआ है ये चीनी, ठीक है। और ये जो है मिल्क पाउडर है, ये 3 टेबल स्पून है, TBS 3 TBS है, जो कि कप से नापेंगे तो 1/4 कप होगा। ओके, और कस्टर्ड पाउडर है, ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, और देखिए मैं कौन सा ब्रांड ली हूँ आप भी देख लीजिए। ये देखिए, ये इस ब्रांड का मैं कस्टर्ड पाउडर यूज की हूँ, ये वेनिला फ्लेवर का ली हूँ। ओके, और ये 1/3 कप है, कप से ही मेजर करके ली हूँ, तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। और केक बनाने का जो बर्तन होता है इस तरह का, एल्युमिनियम का, स्क्वायर, राउंड, किसी तरह का भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। ओके, स्टील का बर्तन में भी इसे बनाया जा सकता है, हमारे किचन में यूज होने वाले बर्तन। देखिए सबसे पहले बर्तन को हम गैस पे चढ़ा देंगे, डायरेक्ट ही चढ़ाएंगे और गैस को ऑन कर देंगे, है ना। जिस बर्तन में हमें केक बनाना हो, हमें इसी बर्तन में बनाना है, तो मैं यही बर्तन चढ़ाऊंगी, ठीक है। इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 2 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि हमें चीनी को ना कैरमलाइज करना है। अच्छी तरह से इसे कैरमलाइज कर देंगे, इसी कारण से ना पुडिंग में टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। और पानी डालने के बाद इसे स्पैचुला से अच्छी तरह चलाते रहेंगे, स्पैचुला से, ये देखिए स्पैचुला से चलाते रहेंगे और चीनी के कलर चेंज होने का वेट करेंगे। और गैस जो है हमारा मीडियम हाई पे है, बिल्कुल स्लो भी नहीं है और बिल्कुल हाई पे भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से बर्तन को पकड़ के धीरे धीरे चलाएंगे। देखिए धीरे धीरे चीनी जो है अपना कलर चेंज करके कर्मलाइज हो गया है, इस तरह का हमें करना है, और गैस को हम बंद कर देंगे। ओके, अब इस बर्तन को हम साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी शुरू करेंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल कर्मलाइज हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। जो ब्रेड की जो स्लाइस थी, हम कॉर्नर जो कट करके रखे थे, उसे तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालेंगे। ओके, क्योंकि इसे हमें फाइन पेस्ट बनाना है, तो इसे टुकड़ा करके हम इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से ब्रेड को बारीक पीस लेंगे, देखिए अच्छी तरह से महीन करके एक बर्तन में खाली कर लेंगे। बिल्कुल बारीक ब्रेड पीस गया है, तो ये सेकंड प्रोसेस था। अब हम थर्ड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक मोटे तली का पैन जो लेकर के चढ़ा लेंगे, तो ये मेरा सॉस पैन बहुत मोटा पेंदी का है, इसमें जो 1 कप जो चीनी था वो डालेंगे और उसके बाद 1.5 कप जो दूध था वो डाल देंगे। ओके, डाल के हम दूध को हल्का सा गर्म होने का वेट करेंगे कि दूध हल्का सा गर्म हो जाए, ठीक है। इसे चलाते रहेंगे कि ताकि चीनी जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चीनी मिक्स होने तक चलाएंगे इसे।
हमारी चीनी जो है लगभग घुल चुकी है और दूध भी बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, लाइट हो गर्म तभी, क्योंकि इसमें हमें फिर मिल्क पाउडर मिक्स करना है, तो ज़्यादा गर्म होने से मिल्क पाउडर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये जो मिल्क पाउडर जो हम लोग रखे थे इसे हम डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ओके, देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है और अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल करके मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर जो था वो 3 TBS था और कस्टर्ड पाउडर अब हम मिक्स कर रहे हैं, ये 1/3 कप है। ओके, तो देखिए इस तरह से फोक की सहायता से हम मिक्स कर रहे हैं। मिल्क पाउडर भी फोक की सहायता से मिक्स किए थे क्योंकि उससे बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। देखिए फोक से कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है ना, स्पून से अच्छे तरीके से फोक से मिक्स होता है। ओके, ये कस्टर्ड पाउडर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। कस्टर्ड पाउडर जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा दूध जो है धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और अभी भी ना गैस ऑन ही है, गैस ऑन में ही हम ये सब प्रोसेस करेंगे। ये मिक्स हो गया कस्टर्ड पाउडर, इसमें अब हल्की हल्की बॉयल भी आने लगी है और वो दूध भी अच्छी तरह गाढ़ा होने लगा है। देखिए इस तरह से मिक्स हो गया और हम इसको चलाते रहेंगे लगातार, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जब भी हम मिल्क में मिलाते हैं ना वो थिक होने लगता है और वो नीचे में बैठने लगता है, तो हल्का भी अगर बर्तन में सटता है ना तो पूरे मिल्क में ना उसकी स्मेल आ जाती है जलने की, तो इस वजह से हम लगातार चलाते रहेंगे, हाथ रोकेंगे नहीं। देखिए इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए साइड से देखिए आप बबल्स आ रहे हैं। ओके, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है कस्टर्ड मिलाने से, है ना, गैस अभी भी ऑन है और इसको चलाते ही रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे कि जलने ना पाए। देखिए इतना थिक हो गया है ये, अच्छी तरह से अब हम गैस को बंद कर देंगे। बंद करके हम ब्रेड क्रम अभी देखिए ये घी मिला दिए हैं, एक चम्मच, एक बड़े चम्मच से एक चम्मच घी, और अब हम गैस को बंद कर देंगे। ओके, गैस को बंद करने के बाद ही हम ब्रेड क्रम जो है वो मिक्स करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से मिला के देखिए आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, और गैस हमारी मिक्स बंद है। जब हम ब्रेड क्रम डालें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि गैस बंद होनी चाहिए। ओके, और देखिए घी ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो रहा है और हम इस तरह से फ्लेचुला से उसे मिलाते रहेंगे, फिर डालेंगे। इस तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू ना सारा ब्रेड क्रम्स हम डाल करके इसमें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे धीरे धीरे करके। देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालने से कितनी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो रही है और ये बिल्कुल गाढ़ा बन जाएगा, है ना, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, आप देख रहे होंगे खुद। अब देखिए अब इतना सा जो बचा है ये भी हम इसमें डाल देंगे। खूबसूरती के साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी तरह से, ये हमारा हैंडल वाला है बर्तन तो इसे मुझे मिलाने में सुविधा हो रही है क्योंकि मैं हैंडल पकड़ करके और ये दूसरे हाथ से अच्छी तरह से मिला रही हूँ। ये सॉस पेन जो है ना ये विनोद का सॉस पेन है और ये बहुत मोटे पेंदी का है। ओके, तो अब ये प्रोसेस हमारी कम्प्लीट हो गई है, अब आगे के प्रोसेस में हम जाते हैं। ये जो कर्मलाइज किया हुआ जो बर्तन था इसमें हम सारे को पलट देंगे, ये सारा उसमें पलट के डाल देंगे। ओके, सारा काम हम ध्यान से आहिस्ता से मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए करेंगे। ओके, थोड़ा भी इधर उधर होने से फिर गड़बड़ है। ये देखिए हाँ अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब ये देखिए हम ये कोई बर्तन लेंगे, या तो इडली बनाने वाला ले लीजिए आप, या फिर कढ़ाई ले लीजिए, या कोई पतीला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें पानी इस तरह से डाल करके, मैंने ढक्कन उसका परफेक्ट रूप में बैठना चाहिए, भाप कहीं से ना निकले, है ना। तो मैं ये कढ़ाई यूज कर रही हूँ, इसमें मैं इतना पानी डाल दी हूँ देखिए, और एक कटोरी या कुछ भी इस तरह से प्लेट लेके बीच में डाल देंगे। ओके, और ये जो पुडिंग वाला जो बर्तन है ये डालेंगे, ध्यान रखिएगा पानी हमारे बर्तन को टच नहीं करनी चाहिए,
ओके और अच्छी तरह से ढक्कन लगा के कवर कर देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम हाई पे फ्लेम को रखेंगे और हम हर 10-15 मिनट पे ना पानी चेक करते रहेंगे कि पानी कहीं कम तो नहीं हुई है। पानी कम नहीं होनी चाहिए नहीं तो बर्तन जलने लगेगा। ओके तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है और 45 से लेके 50 मिनट तक आपको लगेगा इसको इस प्रोसेस में। ये देखिए 15 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, पानी बिल्कुल कम हो गया है। अब ये देखिए ये पुडिंग हमारी तैयार हो चुकी है और करीब हमें तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 घंटा भर लग गया था क्योंकि गैस थोड़ी सी ना सीम थी और साइड से करीब 3 से 4 बार मैं पानी डाली थी। पानी डालते समय ध्यान रखना है कि पानी पुडिंग के पॉट में जरा भी न गिरे। ओके और अब हम इसे पंखे के नीचे रख देंगे, अच्छी तरह से ठंड हो जाए तभी ये निकलेगी बर्तन से। बिल्कुल अच्छी तरह से ठंड होने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से लग रही है। साइड से मैं एक बार चक्कू घुमा दी थी कि वो कॉर्नर छोड़। अब जिस तरह से केक को पलटते हैं उसी तरह प्लेट में रख के इसे पलट देंगे और ऊपर से हाथ से ऐसे थपकी देंगे तो वो जो है बहुत इजी वे में देखिए निकल जाती। वाव लवली पुडिंग, इसकी खूबसूरती तो देखने लायक है। रियली मेरा मन तो बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में ना। और जब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फर्स्ट बाइट मैं उपाध्याय जी को दूंगी। देखिए ये काटने के बाद कुछ इस तरह से लगती है, इसको जरा सावधानी से काटिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। ओके तो ये देखिए ये फर्स्ट स्लाइस निकला कितनी आसानी से और इसमें जो कैरमलाइज जो शुगर है ऊपर में कितना अच्छा लुक दे रहा है। देखिए ये कुछ इस तरह से है और खाने में तो जवाब नहीं, उपाध्याय जी तो बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा खाने में, है ना। तो मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक ट्राई दे दीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी, और वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि कर चुके हैं तो दिल से धन्यवाद आपको। तो फिर अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय।